फरीदाबाद की आबो हवा लगातार खराब होती जा रही है। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर है, यानी खतरे के निशान को पार कर गया है। फरीदाबाद शहर में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह सड़कों पर उड़ने वाली धूल के महीन कण और खुले में जलने वाला कूड़ा है। शहर में जगह जगह जलता हुआ कूड़ा देखने को मिल ही जाता है और सड़कों की हालत बेहद खराब है। इसी के चलते प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब शहर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए नगर निगम प्रशासन लोगों पर सख्ती करने वाला है। कूड़ा जलाने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर अब 5,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम प्रशासन ने बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए 160 अलग अलग टीमों का गठन किया है। ये टीमें फरीदाबाद के अलग अलग हिस्सों में काम करेंगी और इन टीमों को बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई है। इन टीमों का काम कूड़ा निस्तारण व्यवस्था को देखना होगा। इसके साथ ही ये टीम कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर उनका चालान भी काटेगी और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन साइट से निकलने वाले मलबे का भी निस्तारण इस टीम की तरफ से किया जाएगा। एयर पोल्यूशन से बचाव के लिए दो तरह के उपाय हम करते हैं, जिसमें कुछ लॉन्ग टर्म्स हैं, कुछ शॉर्ट टर्म चीजें हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे यहाँ पर जिस तरह स्वीपिंग होती है उसको कम करते हैं, मैनुअल स्वीपिंग को, इससे धूल कम होती है और जो रोड्स हैं उनको मैकेनाइज मशीन्स के माध्यम से हम मैकेनाइज वे में करते हैं। इसके अलावा जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो एक बहुत बड़ा कारण है एयर पॉल्यूशन का, क्योंकि लोग काफ़ी बड़े लेवल पर वेस्ट को जलाते हैं, तो उन लोगों को जागरूकता अभियान चला रहे हैं और 2 दिन बाद अगर ये काम जारी रहता है तो उन लोगों के हम चालान करना भी शुरू करेंगे। रोड रिपेयर का काम तेज़ी से चल रहा है क्योंकि उससे भी काफ़ी धूल उड़ती है और काफ़ी पॉल्यूशन करती है। इसके अलावा रोड्स के ऊपर जो धूल पड़ी हुई है उसको भी उठाने का कार्य हम करने लग रहे हैं। कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट मटेरियल प्रोसेस करने के लिए हमारा प्लांट लगने वाला है और अगले 5-7 दिन के अंदर वो शुरू हो जाएगा, तो लोगों को बाहर फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उससे जो पोल्यूशन होता है वो कंट्रोल होगा। किसी भी तरह की जो मटेरियल लोग जलाते हैं हाथ सेकने के लिए या बाकी किसी एक्टिविटी के लिए, उनको भी रोकने का प्रबंध हम कर रहे हैं और इस काम के लिए 160 से ज़्यादा टीम्स म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बनाई हैं, उनको ट्रेनिंग दी है, उनको ऐप प्रोवाइड करवाई है चलान के लिए और अब वो 2 दिन के बाद में इस काम के अंदर उतार दिए जाएंगे और ये लगातार आने वाले महीनों में इस कार्य को करते रहेंगे। तो ना केवल हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं बल्कि वो सारी एक्टिविटीज़ करने का प्रबंध कर रहे हैं जिससे कि पॉल्यूशन लेवल कम हो, जिसके अंदर वाटर स्प्रिंकलिंग भी बड़े लेवल पर हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ लोगों को भी हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो पॉल्यूशन के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे वो किसी भी तरह का वेस्ट को जलाने का काम करते हों, या किसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के माध्यम से वो उसको मटेरियल को गीला नहीं रखते हैं या ओपन छोड़ देते हैं, तो उन सब लोगों को रोकने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग चीज़ों का चालान का अमाउंट डिफरेंट है, लेकिन ये 5,000 से शुरू होकर 1,00,000 रुपये तक का चालान किया जा सकता है अलग अलग एक्टिविटीज़ के अंदर। तो डिपेंड करता है कि आपकी वायलेशन क्या है और किस तरह की है। जिस तरह से शहर में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसी को देखते हुए नगर निगम प्रशासन भी अब पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और सख्ती करने के मूड में है। शहर में प्रदूषण फैलाने पर अब चालान किया जाएगा और इस चालान की शुरुआत 5,000 रुपए से होगी और ये चालान 1,00,000 रुपए तक का भी काटा जा सकता है। ज्यादा मात्रा में प्रदूषण फैलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।